आज के पेपर पढ़ला भाई रो अतिया नेहावा के माई सगर बउआ जागल बा देख पूजावा के मरते नेहावा के अब लेके भागल बा आए लला मुनिया के माई का जी का कहतनी हम जातनी झरिया कमाए ए बक रौरा म जाई ओसे च हमी चलम कमाए रे ते जेबे कमाए हैं बेटी पतो भइलु त बेटी पतो के चाल चलन सीखो हैं हई गर्मी देखाव त हमरा के मोच बाबे हमारा अब ओठन बा तहारा हम रहब घर में तू जेबु बहारा तू जेबू करे ऑफिस में नौकरी तू जेबू करे ऑफिस में नौकरी आ केहू से बतियबू हमार देह झोंकरी कैसे करी कटनिया बाबे कोमल बदनिया अभी कनिया बनी नया नया हो ए हो अभी छूटल ना हरदी छोड़ के कहले बेदरदी उनके आइल ना तनिको भी दाया KRS भैया हो कहा रे भौजी फोन पो कैमरा दूसरे खूबे हंस हंस के बतिया उतरल फोन लेके खूबे गाड़ी देनी है सारे के उ हम रनी हां सच के चेहरे में यहाँ झूठ के फसाने देखे दुश्मनों को जब गौर से देखा उनमें कई दोस्त पुराने देखे मुझे भरोसा था तेरे कंधों पर बस ये पता नहीं था कि मेरा जनाजा तू खुद तैयार कर रहा है कहते हैं ना जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मनों की चाल में तब शेर भी फंस जाता है कुत्तों की जाल में पर सुन बेटा शेर शेर ही होता है तूने मेरी दोस्ती का तो फायदा उठा लिया पर सुन मेरी दुश्मनी का नुकसान तू सह नहीं पाएगा मास्टर चिलाई बे के कुछ पढ़ाई बे अकेला तो जूता खाई बे ज्यादा फल फड़ाई बे तो हमने के हाथ से कराई बे ऐसा कराई बे कि कहियो प्रिंसिपल से ना बताई बे हाय गाइस आज मैं आपको बताता हूँ जिंदगी में दोस्त कितने इम्पोर्टेंट होते हैं कल रात को मैं घर पे लेट आया तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कहाँ था मैं बोला दोस्त के घर था मेरी मम्मी ने मेरे ही सामने मेरे 10 दोस्तों को फोन लगा दिया 4 बोले जी आंटी यहीं था 3 बोले जी आंटी अभी अभी निकला है 2 ने कहा कि आंटी यहीं है पढ़ाई कर रहा है बात कराऊं क्या 1 कमीने ने तो हद ही कर दी वो मेरी आवाज़ में बोला जी मम्मी बोलिए क्या हुआ ये सुनकर तो मेरी मम्मी भी हंस पड़ी और बोली कमीने आज पता चला कि जिंदगी में दोस्त नहीं बल्कि दोस्तों में जिंदगी मिलती है इश्क़ है हीरे मोती
कभी शोले